चलो भाई अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। इसमें कोई वो नहीं है, ज्यादा थियरी टाइप्स नहीं है, मतलब इसमें हम एक फॉर्मूला है रोटेशनल डायनामिक्स का। मतलब है कि भाई जब बॉडी रोटेट कर रही है तो उसमें डायनामिकली क्या चीज चेंज हो रहा है जब हम टॉर्क लगाते हैं। तो एक्चुअली इसमें दिस इज बेसिकली द रिलेशन ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। होता क्या है, कंसेप्ट समझते हैं। अगर हम किसी बॉडी पे एक टॉर्क लगाते हैं, एक बॉडी है ठीक है, इस पे हम जब हम टॉर्क लगा रहे हैं मान लो, तो जैसे गेट है ना, उस गेट पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स ने क्या जनरेट की, टॉर्क, जिसके कारण ये घूमना स्टार्ट होगा। घूमना स्टार्ट होगा, पहले इसकी पहले नहीं घूम रहा था, मतलब ओमेगा जीरो था, जब घूम रहा है तो ओमेगा बढ़ गया, तो ओमेगा नॉट से ओमेगा हो गया, मतलब क्या जनरेट हो गया, एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई ठीक है। तो दैट मीन जैसे पंखा है, पंखा इनिशियली किस पे, बंद है जब रेस्ट पे, यस सर। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया उसके अंदर कुछ फोर्स लगी जिसने टॉर्क जनरेट किया, टॉर्क ने उसको घुमाया जीरो से कुछ फाइनल ओमेगा तक, उसको लेके गया, मतलब उसको क्या करवाया उसने, एक्सेलरेट, क्या करवाया, एक्सेलरेट। एक्सीलरेशन। तो डज इट मीन कि जब टॉर्क होगा तब अल्फा भी होगा, यस सर। तो फॉर्मूला बन जाता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये फॉर्मूला आता है जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ठीक है। इसमें ये फॉर्मूला है, उसी के बेसिस पे हम अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू आई, आई के ऊपर वेक्टर क्यों डाल दिया भाई, आई कौन सी क्वांटिटी है, फेलर अच्छा ये कहीं स्केलर बोला था किसी ने, विद्युत यस आई इज स्केलर क्वांटिटी, सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भक्तजनों, सिर्फ, और उसके फॉर्मूला में तो स्केलर होती है। अरे टेंसर, टेंसर क्वांटिटी नहीं होती है, भूल गए तो बताया मैंने, सर कौन सी क्वांटिटी? टेंसर सर ये नहीं पता। अरे भाई जरा देख के चलो, इधर लिखो, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या चीज होती है, सुनो ध्यान से, क्या होती है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी होती है जो, देखो वेक्टर तो नहीं होती ये ठीक है, होती तो नंबर है सिर्फ, डायरेक्शन नहीं होती इसकी, बट जैसे हमने देखा, जैसे हमने पढ़ा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग का कितना होता है, नेचुरल एक्सिस के अबाउट m2 mr स्क्वायर होता है राइट, अगर डायमीटर कर दें उसके अबाउट कितना होता है, m2 mr स्क्वायर बाय 2 होता है। अगर हम रिम के अबाउट, टेंजेंट रिम के अबाउट, टेंजेंट है जो एक्सिस, उसके अबाउट कर दें तो वो कुछ और आएगा, एक्सिस चेंज कर दें तो कुछ और आएगा, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है डिपेंडिंग ऑन दी कि वो एक्सिस किस अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ऐसी क्वांटिटी हम तो को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, सर टेंसर क्वांटिटी ठीक है, बात समझ में आ गई ठीक है। तो यहाँ पे सर मोमेंट, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा है, अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट है,
मतलब डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट है? क्रॉस, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। किसी और का कोई विचार? दिस इज डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट? तो डॉट प्रोडक्ट तो नहीं है क्योंकि स्केलर वेक्टर आ रहा है एंड में। तो मतलब क्रॉस हुआ फिर? सर पर क्रॉस तो, हाँ बोलो बोलो, सही जा रही हूँ। पर क्रॉस तो दो वेक्टर्स में नहीं होता। बिल्कुल सही बात है ना, तो ये ना क्रॉस है ना ही डॉट है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अरे जैसे f इज इक्वल टू ma, ये को डॉट या स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस है तो वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ी है, दिस इज नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। अरे हाँ के ना, यस सर मेरा धर्म है तुम लोगों को क्या करना उलझाना, कंफ्यूज करना, उलझाना है ना। तुम लोगों का धर्म क्या है? कंफ्यूज ना होना। समझ गए। ये इम्पोर्टेंट हुआ है, ठीक है। चलो कुछ सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे बस सवाल है सीधा सीधा, तो इसलिए वी विल नॉट बी राइटिंग। टॉर्क के हमने दो फॉर्मूले कर लिए, पाई की टर्म्स में बता देना इसका आंसर। करेक्ट सक्षम। करेक्ट विद्योत्मा। Thank you.
आदित्य ठीक है, दिवनूर ठीक है, अनुष्ठा पर नूर ठीक है। अनुष्ठा क्या किया तुमने? दोबारा करती हूँ। अरे बताओ तो सही, तुमने इक्वेशन कौन सी लगा दी? थर्ड लगा दी क्या? सर एक बार दोबारा ट्राई कर। हाँ भाई साइलेंट लिसनर्स, अंतरप्रीत क्लास में होता है? प्रभु ठीक है, चलो जो जो जिंदा है जरा हैंड रेस करो। अंतरप्रीत एंड हर्षिता कौशिक, ये दोनों जिंदा नहीं है। एक मिनट जरा हैंड रेज ही रखना तुम लोग। हर्षिता कौशिक जिंदा हो गई। ठीक है चलो भाई। एक मिनट जरा फोटो भेज दूं मैं ये। चलो नीचे कर लो सारे हाथ। अब ठीक है अनुष्ठा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे रखा है, इट इज मेकिंग एन इनिशियल ओमेगा दे रखा है, ओमेगा नॉट विच इज 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकंड में, दैट इज 300 इनटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, दिस इज रेडियन पर सेकंड। फाइनल ओमेगा है 0, टाइम दे रखा है 20 सेकंड्स, इससे अल्फा आ जाएगा मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टाइम।
दैट इज जीरो माइनस छ तो दस पाई अपॉन बीस दैट इज माइनस पाई बाई टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. Therefore, torque is equal to I alpha. Lagao I ke liye rakhiye 0.3 into minus pi by 2. That is minus 0.15 pi. Unit? Newton meter. Newton. Newton meter. कोई शक कोई सवाल? No sir. तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन. Correct. Section. अरे बाकी लोग, अरे बाकी लोग प्रभनूर एंड अनुष्ठा करेक्ट. Divnur correct. Thank you.
अरे समझ में आया तुम लोग, सवाल समझ में आया क्या, कहना क्या चाह रहा है ये? अरे बबुआ आया कि नहीं आया? नो सर। मान लो ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस जस्ट लाइक टेबल, इस पे एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है इस टेबल पे है, राइट। अब हम जब इस यूनिफॉर्म रॉड पे एक फोर्स, इसका मास और लेंथ एल दे रखा है, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं जिसकी हमने को वैल्यू दे रखी है, फोर्स इज हॉरिजॉन्टली अप्लाइड एट सम डिस्टेंस 5L, टोटल लेंथ है L, 5L बाय 6 पे, मतलब यहां पे तीन फोर्स लग रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है ऐसा करके एट अ डिस्टेंस ऑफ 5L बाय 6 डिस्टेंस पे फोर्स लग रही है, तो ये रॉड जो है वो ऐसा घूमना स्टार्ट कर देगी चक्कर में, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, ये चक्कर लेना स्टार्ट कर देगी रॉड, तो ये जो चक्कर है हमें ये बताना है कि जब चक्कर में घूम रही है तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी। कोई चक्कर वाली बात है? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन हमें बतानी है इस घूमती हुई रॉड की, तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मुझे लगाना है टॉर्क का फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि टॉर्क जब इस पे कोई क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क जनरेट होता है, उस टॉर्क ने एंगुलर एक्सेलरेशन भी जनरेट कर देनी है, तो फॉर्मूला लगेगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एक और फॉर्मूला होता है टॉर्क का वो होता है आर इंटू एफ, अरे साइन थीटा होता है, वो परपेंडिकुलर है दोनों, इसलिए तो चक्कर वाली बात नहीं है, साइन थीटा 90 हो जाएगा। आई कितना है इस रॉड का, आई कितना होगा? ml स्क्वायर बाय 3, yes because it is घूमिंग अबाउट इट्स एंड राइट इनटू अल्फा इज इक्वल टू आर कितना है? 5L by 6 into F कितना है? mg by 2, खत्म कहानी, उससे अल्फा आ गया 5g by 4, कोई प्रॉब्लम सर? थीटा जो आप कह रहे थे आर और साइन थीटा, वो थीटा किसके बीच में है? आर और एफ के बीच में। ओके, इसमें एफ की डायरेक्शन कैसे पता करी? सर मुझे मतलब समझ नहीं आया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और अरे 3D में फोटो बनाई ना मैंने, ऐसे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं ऊपर टॉप व्यू, ये रॉड है उस पे ऐसे फोर्स लग रही है, ये आर हो गया, ये एफ हो गया, Yes. ये जो टेबल है उसी प्लेन में फोर्स लग रही है। Yes, sir. तो इन दोनों के बीच का एंगल 90, मतलब दिया ही नहीं हुआ तो इसलिए हमें 90 ही लेना पड़ेगा, फोर्स हमने ऐसे टेंडी नहीं लगाई। Yes, sir. चिपका लिया? Yes, sir.
Saksham and Vidyotma, correct. Divnur, Parnur, Prabnur, correct. Aditya Vora, correct. Anushtha, correct. क्या है इसमें? A rope is wound several times on a solid cylinder of radius. में दे रखा है, ये solid cylinder है, in the form of type, जैसे pulley type है, ठीक है? उसके ऊपर हमने एक रस्सी लपेट रखी है. ये जो सॉलिड सिलेंडर है, इसका रेडियस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, इसका नेचुरल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है. इस रस्सी को हमने पुल करना स्टार्ट कर दिया विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन. इस तरफ हमने इसको पुल करना स्टार्ट कर दिया, फोर्स लगानी शुरू की, दैट इज 40 न्यूटन. ऐसा सॉरी 10 न्यूटन 40 किधर से आ गया यार, कहां से देख रहा हूं मैं 40, ओह माय गॉड 10 न्यूटन, ठीक है? तो ऐसा ही घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? हमने को फाइंड करना है ये अल्फा कितना होगा, कितनी अल्फा से घूमेगा. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू आर इनटू एफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज mr स्क्वायर बाय 2. mr स्क्वायर बाय 2 नेचुरल एक्सिस के अबाउट है ना, ये डायमीटर के अबाउट है, नेचुरल एक्सिस के अबाउट है. इनटू अल्फा इज इक्वल टू आर कितना है 0.1 इनटू फोर्स लग रही है 10 न्यूटन. इसको सॉल्व करके मेरे पास जो अल्फा आ जाएगा दैट विल बी 20 रेडियन सी. कोई दुख तकलीफ
नो सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यस यस सर ठीक है चलो इसके वैसे तो हम ना कुछ सवाल और प्रैक्टिस करेंगे बट इन नेक्स्ट क्लास आप लोगों का होमवर्क जो पिछले एक्सरसाइज का वो तो है ही है ये भी अगर तुम लोगों ने स्टार्ट करना है कर लेना क्वार्टर्स ठीक है बट पार्ट एफ हम डिस्कस जो है वो उससे अगली क्लास में करेंगे नेक्स्ट वीक ओके चलो आज के लिए इतना ही गुड बाय Thank you, sir. Thank you, sir.